शानदार शख्सियत, चीते सी चाल और बेखौफ आवाज, यह है शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे का व्यक्तित्व, जिसको जादुई जलवे से पर्दे पर जी रहे हैं नवाजुद्दीन। बाला साहेब की चाल, उनके चेहरे के हाव भाव, पाइप और सिगार पीने का अंदाज, यहाँ तक कि जोशीले भाषण देने की कला, नवाज ने बखूबी अपनी शख्सियत में उतारा है। बस उनकी आवाज बाला साहब की आवाज से मेल नहीं खा रही, यानी वॉइस मॉड्यूलेशन पर नवाज को थोड़ा और काम करना चाहिए था। ठाकरे फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म बाला साहब के कार्टूनिस्ट की नौकरी को लात मार चले आने के दिन से शुरू होती है, जिसके बाद वो पैसे उधार ले अपनी वीकली मैगजीन मार्मिक की शुरुआत करते हैं और अपने वो विचार खुलेआम छापते हैं जिसकी आज़ादी उनकी नौकरी में नहीं थी। यहाँ से शुरू हुए बाला साहब के सफर के कई मकाम फिल्म ठाकरे में शामिल किए गए हैं। किस तरह उन्होंने मराठियों के हक की लड़ाई में घाटी है घटिया नहीं और पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ जैसे नारों के साथ अपने लोगों को बल का इस्तेमाल करने का सबक दिया, जिसके चलते साउथ इंडियंस पर मुंबई में न सिर्फ अत्याचार शुरू हुए बल्कि उनके मकान, दुकान, यहाँ तक कि उनकी जान को भी शिव सैनिकों की बेरहमी का शिकार बनना पड़ा। उसके बाद बेलगांव और कारवार के मुद्दे पर मोरारजी देसाई के मुंबई यात्रा के दौरान हुई हिंसा, फिर बाबरी मस्जिद गिराने के बाद हुए दंगे हो या मुंबई धमाकों के बाद हुए दंगे, सब वारदातों को फिल्म में शामिल किया गया है। खुलकर बाला साहब के जोरदार हिंसक फलसफों यानी वायलेंट फिलोसफीज को भी फिल्म में न सिर्फ दिखाया गया है बल्कि रैशनली जस्टिफाई भी किया गया है। फिल्म चूंकि खुद शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत की देखरेख में बनी है, तो जाहिर है बाला साहेब की हर दंगे में निभाई अहम भूमिका को अंडर प्ले करते हुए शिव सैनिकों के जोश और जज्बात की वजह से हुई घटनाओं का नाम दिया गया है। जबकि अपने मराठी भाइयों के लिए काम करते करते बाला साहेब देश के खास भारी भरकम नेता में तब्दील हो गए कि हर कोई, चाहे वो नेता हो या अभिनेता, खिलाड़ी हो या व्यापारी, सभी को काम करने के लिए बाला साहेब की मंजूरी लेना जरूरी हो गया। यानी सभी मशहूर किस्से, चाहे वो बाला साहेब और मियादाद की मीटिंग हो, वानखेड़े की पिच उखाड़ने का दंगा हो या फिर उनका इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को सपोर्ट करने का वाकया, सभी को फिल्म में शामिल कर हर एक्शन, हर दंगा और हर वायलेंस को फिल्म में सपोर्ट ही नहीं किया गया बल्कि हक के लिए वायलेंस जरूरी है कहकर वायलेंस को ग्लोरीफाई भी किया गया है। क्या ये सही है? बेशक बाला साहेब देश के शुभचिंतक रहे हों और महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का कद कायम रखने के लिए उन्होंने कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का साथ दिया, जिसके चलते उनके तरीकों से बहुत लोग इत्तेफाक ना रखते हों, ठीक उसी तरह वायलेंस को भी किसी तरह एक्नॉलेज नहीं होना चाहिए, वो भी जब एक फिल्म सिनेमा के बड़े पर्दे पर एक राजनीतिक शख्सियत की बहादुरी का बखान कर रही है। बहरहाल फिल्म की खासियत भी यही है कि फिल्म मेकर्स ने किसी भी किस्से को फिल्म से हटाने की या छुपाने की कोशिश नहीं की और उस लिहाज से ठाकरे को खरी, ईमानदार, निडर यानी पूरी तरह ऑनेस्ट पहली बायोपिक कह सकते हैं। 1994 के लखनऊ ट्रायल से शुरू हुई फिल्म में बाला साहेब की कोर्ट में जज के साथ की बेखौफ बातचीत, कांग्रेस पीएम इंदिरा गांधी के साथ मीटिंग, कृष्णा देसाई मर्डर या फिर दंगों के बीच एक मुस्लिम को अपने घर मातोश्री में नमाज पढ़ने की इजाजत देना हो, इन सभी सीन्स के साथ बाला साहेब की बेखौफ निडर रूप का खाका खींचा है, जिसको नवाज ने अपने बेहतरीन कलाकारी से निभाया और निखारा है। मीना ताई यानी बाला साहेब की वाइफ के किरदार में अमृता राव भी बहुत मासूम और ऑथेंटिक लग रही हैं। और अगर बाला साहेब की जर्नी को क्लोजली देखना चाहते हैं तो फिल्म देख सकते हैं, वो अलग बात है कि फिल्म इज मोर ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री देन एन एंटरटेनर। और फिल्म को मिलते हैं 3 स्टार्स।